राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर, सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जो वीडियो अभी आपने देखा है वो अखिल भारतीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा का वीडियो है। ये वीडियो अलीगढ़ के हनुमान मंदिर से वायरल हुआ है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ मुसलमान इसके आसपास बैठे हुए हैं और ये हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा उन मुसलमानों को और छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत तेजी से वायरल होने वाला वीडियो है और ट्विटर पर इस वीडियो को लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल जो ट्विटर पर उठाया गया है वो यही है, अगर ऐसा ही काम कोई मुसलमान कर देता, कुछ हिंदुओं को जमा करके अपने धर्म के बारे में सिर्फ बता रहा होता, कुछ पढ़ा नहीं रहा होता, तो उस पर जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया जाता और उसको अंदर डाल दिया जाता और वो मुसलमान आज जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से इस तरह के कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये मुसलमान जो बच्चे इसके आसपास बैठे हैं इनको ये कैसे लेकर गया, इनको वहां ले जाकर मंदिर में बिठाकर ये पूजा पाठ क्यों कराया गया, क्या दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि अगर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एकता की ही बात है तो कोई मंदिर में किसी के जाए या कोई मस्जिद में किसी के जाए, कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि मामला एक तरफा क्यों, मुसलमान टोपी लगाकर और दाढ़ी रख के और कुर्ता पजामा पहनकर मंदिर में एक हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं तब किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कुछ मुसलमान किसी हिंदू को अगर कुछ बताते हैं या अपने धर्म के बारे में कुछ बताते हैं तो उस पर जबरन धर्मांतरण का केस लगाकर उसे अंदर डाल दिया जाता है, तब सवाल उठते हैं कि मामला एक तरफा क्यों है। देश में संविधान इजाजत देता है कि हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है, सबको अधिकार है, ऐसा संविधान कहता है। उसके बाद अगर मुसलमान कहीं जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो कुछ हिंदू सेना के ही लोग और बजरंग दल के लोग वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको रोक दिया गया है और वहां जाकर यह हंगामा किया गया है कि ये लोग जबरन हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको अगर मिसाल के तौर पर समझाया जाए तो कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम का मामला आपके सामने है। उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी का मामला आप पूरी तरह से जानते हैं, जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन पर यही आरोप है, जबरन धर्मांतरण, बाहर से फंडिंग, पैसा आता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये तो खुलेआम वीडियो वायरल है, मुसलमानों को मंदिर में बिठाया है, बिठाकर उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाई गई है। तो इस पर भी यही सवाल उठ सकते हैं कि मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं तो इन पर कौन सा केस लगेगा, इनको किसने इस बात के लिए पैसा दिया है कि आप ऐसा करिए, और क्या ये सही है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और थोड़ा गौर से देखिए कि ये जो मुसलमान आसपास बैठे हैं ये कौन लोग हैं और जो हिंदू सेना का अध्यक्ष है वो हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा है। देखिए जरा दोबारा वीडियो। जय कपीस ते लोगो जागर, जोर से बोलो बेटा। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमित निवार सुमित के संगी, सुमित निवार सुमित के संगी, कंचन वरण विराज सुदेशा, कंचन वरण विराज सुदेशा, आनन कुंडल कुंज केसा, आनन कुंडल कुंज केसा, ने मोचरा ध्वजाविराज है, हाथ पूरे ध्वजाविराज है, आंधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणीयत चातुर, विद्यावान गुणीयत चातुर, राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर, सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।
तो अब यह है सवाल कि क्या अगर कोई हिंदू सेना का अध्यक्ष किसी मुसलमान को अपने मजहब के बारे में बताए, उससे हनुमान चालीसा पढ़वाए, तो कोई गुनाह नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान, कोई मौलवी, कोई मौलाना किसी हिंदू को या किसी गैर मुस्लिम को अपने मजहब के बारे में जरा सा कुछ समझाता हुआ नजर भी आ जाए, या फिर किसी को यह भी पता चल जाए कि यह अपनी मर्जी से जो हिंदू शख्स है वो इनके पास आया है और यहां आकर इस्लाम के बारे में कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, जानना चाहता है इस्लाम को, तो फौरन जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आ जाता है। और नेशनल मीडिया इस मुद्दे को ऐसा करके दिखाता है कि जैसे मुसलमान जबरदस्ती किसी को इस्लाम में ला रहे हैं और जबरदस्ती मुसलमान जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। यही मुद्दा लव जिहाद में उठाया गया था। अगर लड़की हिंदू की है और लड़का मुसलमान का है, भले ही वो आपस में प्यार करते हों और लड़की भी राजी हो, तब भी इसको जबरन धर्मांतरण और प्यार के जाल में फंसाकर हिंदुओं को मुसलमान करने की बड़ी साजिश का, रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे करके खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन अगर इसके आप बैकग्राउंड में जाएंगे और समझेंगे आज की इस वीडियो के बाद जो हमने आपको दिखाई है, मामला एक तरफा है, दूसरी तस्वीर आपको दिखाई नहीं जाती। आज जब यह तस्वीर सामने आई है तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है, पूरा देश यह सवाल कर रहा है कि क्या जरूरत थी कि मुसलमानों को मंदिर में ले जाकर, अब जैसे भी लेकर गए हों, सवाल तो इन पर भी उठ रहे हैं कि ये गए क्यों, अगर ले जा रहे थे तो गए क्यों, सवाल तो इन पर भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत के तौर पर मुसलमानों ने यह कदम बढ़ाया तो अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने वाला हिंदू सेना का जिलाध्यक्ष अलीगढ़ का, उस पर कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब कोई जबरन धर्मांतरण का केस लगाने वाला आगे नहीं आएगा, क्या अब कोई पुलिस में कंप्लेन करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्या इन मुसलमानों से नहीं पूछा जाएगा कि आपको कौन लेकर गया, क्यों लेकर गया और आप क्यों गए थे। ये तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यहां निकलकर यह सामने आ रही है कि आप जो करें वो सही, हम जो करें वो गलत, ये मुसलमानों का कहना है इस पूरे मामले पर। इस वीडियो को देखने के बाद कई मुसलमान बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम को लेकर भी उठाई जा रही है कि वो ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि जिनको आपने सालों के लिए जेल में बंद कर दिया और अब उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। अब कोई यह भी नहीं पूछ रहा है कि कहां है उमर गौतम और कहां है कलीम सिद्दीकी, क्योंकि मुद्दे ही इतने सामने आ गए हैं। सवाल कई हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद कई अहम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जबरन धर्मांतरण का मामला सिर्फ एक तरफा नहीं होता है। अगर इस वीडियो को भी देखा जाए तो इसमें से भी एंगल निकल रहे हैं कि यहां भी जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। क्या यहां से अब यह खबरें चलनी शुरू हो जाएंगी कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है? लेकिन नहीं, मुसलमान लगातार देश के लिए आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, एकता, अखंडता के लिए काम करता चला आया है। लेकिन यही वो हिंदू सेना और यही वो बजरंग दल है कि जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करती रहती है। आज इन्हें मुसलमानों की जरूरत पड़ी, एक वीडियो बनवाया और उसको वायरल कर दिया। अब इस वीडियो में सच्चाई कितनी है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसका सच कैसे सामने आता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही कई बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। हम तक ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा था तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप तक इस वीडियो को पहुंचाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।